तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना जो है अंतरिम फैसला दिया है, अभी स्थगित किया है तीनों कृषि कानूनों का, आगे भी सुनवाई चलेगी, लेकिन उससे पहले एक कमेटी, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो किसानों से बातचीत करेगी, उसके बाद जो है फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का रुख उसके बाद तय होगा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कृषि कानून स्थगित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को बड़ी राहत दी है, साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये किसानों की नहीं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। देश में जो कृषि का काला कानून केंद्र की सरकार ने बनाया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने का आदेश दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना भी करते हैं कि वो सरकार से कहे इस बिल को, इस काले कानून को सरकार वापस ले। जय किसान। तो बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आपने सुना किस तरीके से जो है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो सभी मान रहे हैं, और अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंशीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं पूरे प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, है ना जी। बंशीलाल जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है, अभी अंतरिम रोक लगाई है, स्थगित किया है कानूनों को, किस तरह देखते हैं इसे आप? अच्छा है, सबको कानून को और समझने का अवसर मिल जाएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से जो समिति बनाई है वो समिति भी कन्विंस करेगी किसानों को और बाकी सब लोगों को, और सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के भले के लिए बनाए हैं, किसानों को ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाए हैं कानूनों में। मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी भी दिक्कत किसानों को है। अब जिन किसानों को दिक्कत है वो कल भी मैंने कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें केवल बिचौलियों को बाहर करने का काम सरकार ने किया था इस कानून को बना करके। अब बिचौलिये को बाहर करना किसानों के शोषण को कम करना है जी। और अभी भी जब इस कानून को कोर्ट ने स्टे किया है कुछ समय के लिए, तो ज्यादा समझने का अवसर मिलेगा और उसके बाद लगेगा सबको कि ये कानून किसानों के हित में है जी। बंशीलाल जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने कहा है कि तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, और साथ ही उनका कहना है किसानों का नहीं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों कानून बनाए गए हैं, इसलिए रद्द कर देना चाहिए, कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि कांग्रेस जो है अभी तक ये समझाने में असफल रही है कि पूंजीपतियों का फायदा कैसे होगा और किसानों का नुकसान कैसे होगा। उन्होंने बताना चाहिए कि किसानों का नुकसान कैसे होगा। हम बता रहे हैं कि किसानों के बीच में से बिचौलियों को हटाएंगे तो सीधे किसान खरीदारी जो है वो व्यापारी करेगा और किसान बेचेगा, उसमें से उसका कमीशन बचेगा, किसान के हक में जाएगा वो फैसला। कांग्रेस बताया ना कि उसमें किसानों का नुकसान क्या है। बंशीलाल जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हालांकि अभी जो है स्थगित किया गया है, रोक लगाई गई है तीनों कृषि कानून को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि सरकार की हार के रूप में से देखा जा रहा है इस फैसले के बाद। हम कोर्ट के फैसले को न हार में देखते हैं न जीत में देखते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि और ज्यादा अवसर कोर्ट ने दिया है इस कानून को सबको समझने के लिए, और सब समझ करके और आगे फिर उस पर काम करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल स्थगित किया है जो तीनों कृषि कानून हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, और साथ ही कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जो है किसानों से चर्चा करेगी, उसके बाद कोर्ट का रुख तय होगा कि किस तरीके से जो है
फैसला किसानों के हक में जाता है या सरकार के, उसके लिए जरूर इंतजार करना पड़ेगा। संसद से जो है 3.5 महीने पहले पास हुए तीनों कृषि कानून पर अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने अब मंगलवार को यानी कि आज रोक लगा दी। कृषि कानूनों को चुनौती देती याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है। ये कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न किसानों की जीत है न जो है सरकार के लिए हार है, जानकारों का ये कहना है।